जय हिंद दोस्तों, यूडी सीआर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे स्कॉटलैंड वुमेन और आयरलैंड वुमेन के बीच में खेले जाने वाला जो नेक्स्ट ओडीआई का मैच है दोस्तों, उस मैच के बारे में। तो कौन से वो 11 प्राइम प्लेयर्स होंगे जिनकी जगह बन पाएगी हमारी प्राइम टीम में, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले तो शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग से एक बार जल्दी से दिखा देते दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन करे ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक से एक बार दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों आपके सामने है जो अभी 87 हमारे ग्रैंड लीग के रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड की उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन थे दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों, किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे टीम है जो आपके सामने, कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं दोस्तों। एक और मैच देखते ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद है दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर हम अभी इस मैच के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें मैच पर चलना है और उसके बाद क्रेट टीम पर जाने के बाद, पहले अगर हम बात करें स्कॉटलैंड टीम की, स्कॉटलैंड की टीम में कुछ गिने चुने इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनको आपको टीम में रखना है, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ प्लेयर्स आपको दिखेंगे नहीं। अगर एवरेज स्कोर की बात करें, जिस ग्राउंड पर इसकी पिच रिपोर्ट अगर बात करें, ये पिच आपके बैटिंग का पीछे बेसिकली, और पेसर्स को ये ग्राउंड ज़्यादा हेल्प करेगा, और 191 इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर है दोस्तों वुमेन्स के मैच का। तो ये तीन चीज़ें आपको जानना है, पहला बैट्समैन को प्रेफर करना है, और ऐसे ऑलराउंडर्स को आपको लेना है जो फास्ट बॉलिंग करते हो। स्पिनिंग ऑलराउंडर्स को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को आप अवॉइड मत करना दोस्तों टीम में से।
स्कॉटलैंड की टीम के सारा ब्रूस जो आपके बिग बैश खेलती है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, आपको इनको टीम में रख के चलना है। डायरेक्ट कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्टली इनको टीम में रख लेना है। बैटिंग सेक्शन में एलजैक यूवाटसन दोनों खेलेंगे, आप इन दोनों में से किसी को मत ट्राई करना मेरे हिसाब से। ऑलराउंडर में कैथरीन ब्रूस और डी कार्टर दोनों इंपॉर्टेंट है। कैथरीन ब्रूस की बात करें, लास्ट के मैच में मेरे कैप्टन थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी दोस्तों, 91 पॉइंट दिया था। डी कार्टर भी हमारे टीम में थे। यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में मकसूद और रेनली, ये दो मेरे इंपॉर्टेंट बॉलर्स में आ जाएंगे दोस्तों। मैं आज के मैच में ओ बेल को टीम में नहीं रखने वाला हूँ। अगर आयरलैंड की टीम की बात करें, आयरलैंड की टीम से यहाँ से विकेट कीपिंग में ए हंटर खेलते हुए दिखेंगे, बैटिंग सेक्शन में ग्रेस लुइस और स्टोकेल दोनों खेलते हुए दिख जाएंगे, ऑलराउंडर में लोएडेनली ए खेली और ओएन द प्रेस्ट और एल पलीच पॉल, ये चार प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ से एडेनली और केली दोनों मेरे टीम में आएंगे दोस्तों, ये दोनों को आप कप्टन देख लेना। लास्ट के मैच में केली मेरा हमारी वाइस कैप्टन थी, बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी और हमको एक तरफा क्लीन स्वीप करवाने में। लास्ट के मैच की इनका सिलेक्शन परसेंटेज ही बहुत कम था, उसके ऊपर मैंने इनका वाइस कैप्टन बनाया था और हमको एक तरफा पॉइंट मिला था दोस्तों। डेम्से हमारे टीम में आज भी आएंगे, लास्ट के मैच भी हमारे टीम में थी। यहाँ से अब चर्जेंट लास्ट के मैच में थी, इस मैच में आएंगे। इस मैच में हमारे ट्रम्प कार्ड सी मूरे मेरे टीम में आएंगे। बैटिंग सेक्शन से एक ही प्लेयर ग्रीस थे जो ओपनिंग करते दोस्तों इनकी टीम की तरफ, इनको मैं टीम में रखने वाला हूँ। तो ये मेरी टीम रेडी हो चुकी है दोस्तों, आप एक बार देख लीजिए प्रीव्यू। लगभग यही टीम के साथ में जाने वालों में 5 और 6 का कॉम्बिनेशन ही बनाऊंगा दोस्तों। 6 प्लेयर्स मेरे आयरलैंड की टीम से ही होंगे और 5 में अपने अभी यहाँ से स्कॉटलैंड की टीम से रखने वाला हूँ। तो बाकी यहाँ से मेरे टीम का देख लीजिए प्रीवियस सी और वीसी की बात करें। लास्ट के मैच में मेरे टीम के कैप्टन यहाँ से ब्रूस थे, आज के मैच में भी होंगे। अकेले में हमारे वाइस कैप्टन में सी और वीसी लास्ट के मैच की तरह ही बनाऊंगा, इनमें कुछ चेंज मैं करूंगा नहीं। बाकी यहाँ से मैं प्लेयर्स अगर चेंज करूँ, एक एक दो प्लेयर फेयर बदल कर सकता हूँ अगर, जिसको भी मैं करूँगा वो मैं आपका टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।